हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत से लोग बचे हुए छिलकों से अचार बना लेते हैं। हम आज इस बचे हुए नींबू के छिलकों से क्लीनर बना के दिखाएंगे, जो बहुत इफेक्टिव है और क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा यूज हो जाएगा। और इसे आप किचन, टाइल्स, बाथरूम सबकी क्लीनिंग बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बचे हुए सारे नींबू के छिलकों को हम पहले उबालेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 गिलास पानी डाल दिया है। हम थोड़ा उसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम सारे छिलकों को पानी में ट्रांसफर कर देंगे। और छिलकों को ट्रांसफर करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा उबलना शुरू हो गया है। तो हमें 10 मिनट उबालना है। 10 मिनट उबालने के बाद अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम नींबू को अच्छे से उसके मसल के उसका एक्स्ट्रा जो रस है वो हम निकाल लेंगे। सारे नींबू के साथ हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसे अच्छे से निचोड़ के इसका बाकी का रस जो है वो हम निकाल लेंगे। और ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरीके से सारे नींबू के छिलकों को हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे छिलकों को अच्छे से निकाल लिया उसका रस। तो आप देख सकते हैं कि नींबू के रस के साथ उसमें बहुत सारे पल्प भी आ गए हैं। तो हम उसे छान लेंगे। तो हम एक स्प्रे बॉटल ले लेंगे। आप चाहे तो एक कोई भी विस्लरी का बॉटल भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी बॉटल आप यूज करें उसमें 1 गिलास पानी डाल दें। तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से नींबू के पानी वाले जो हमने लिक्विड बनाया उसे छान लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत मात्रा में आपको नींबू के पल्प भी दिख रहे होंगे। तो हम चम्मच की मदद से उसे अच्छे से उसका पानी निकाल लेंगे दबा दबा के। इस तरह से नींबू के बहुत सारे नींबू वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, उसका बहुत अच्छा यूज हो जाता है। तो अब हम वो जो 1 गिलास पानी था वो भी हम स्प्रे बॉटल में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। मैंने 1 गिलास पानी ऑलरेडी स्प्रे बॉटल में डाल दिया था। अब 1 गिलास हम नींबू का वाला पानी इसमें डाल देंगे। और इसमें हम 2 चम्मच जितना बेकिंग सोडा डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको बेकिंग सोडा से बहुत सारी क्लीनिंग के हैक्स मैंने बना के डाले हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बेकिंग सोडा से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, इसे बहुत हेल्प होता है क्लीनिंग में। और ये इतनी बड़ी पैकेट 10-15 रुपए में मिल जाती है, बहुत सस्ता होता है। और आप जैसे ही बेकिंग सोडा डालेंगे तो देखेंगे कि वो रिएक्ट करने लगता है और उसमें बहुत सारे बबल्स होने लगते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना लिक्विड डिश सोप। आप कोई भी ब्रांड का डिश सोप यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे कोई चिकनाहट वाला, ज्यादा चिकनाहट वाला बर्तन क्लीन कर रहे हैं तो आप 3 चम्मच तक इसमें डाल सकते हैं। इससे आप हल्की चिकनाई वाला बर्तन जो होता है वो भी आप इसे बहुत आराम से साफ कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत अच्छा इफेक्टिव है। आप इसे बहुत अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आपका तैयार हो गया है क्लीनर। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं आपको गैस क्लीन करके दिखा रही हूँ। जहां भी चिकनाई वाला जगह है आप इसे स्प्रे करें और किसी अच्छे कपड़े से उसे पोंछ लें। इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। स्प्रे कीजिए और किसी साफ कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। आप इससे बाथरूम के टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे थोड़ा स्प्रे कीजिए, 5-10 मिनट छोड़ दीजिए और इसी तरीके से उसे पोंछ लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से आपके बाथरूम की टाइल्स की भी क्लीनिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अच्छे से साफ हो गया हमारा गैस। अब मैं आपको गैस के पीछे वाला पोर्शन क्लीन करके दिखा रही हूँ, जो जहाँ जब मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे ज्यादा चिकनाहट इसी में जाके जम जाती है। इसी तरीके से स्प्रे करें और इसे पोंछ लें साफ कपड़े से। इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। फ्रेंड्स, ये क्लीनर आप बना के रख ले, ये बहुत दिनों तक चलती है क्योंकि ये बहुत कम यूज होती है। तो बहुत और बहुत इफेक्टिव है। तो कम स्प्रे होता है तो अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है।
छिलके जो बेकार होते हैं हम इसे फेंक देते हैं, उसका मैं आपको क्लीनर बना के दिखाऊंगी जो बहुत ही इफेक्टिव है, और इससे आप अपनी फ्रीज अपने मिरर को आप बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा विनेगर, जो आपको बहुत आसानी से कोई मार्केट में मिल जाएगा, और ये मैंने लिए हैं संतरे के छिलके और थोड़ा नींबू के छिलके, जिसे मैंने 1 से 2 दिन थोड़ा हवा में रख लिया था। फ्रेंड्स, हम तो छिलके को वैसे भी वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो लेकिन उससे क्लीनर बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो अब मैंने 2 से 3 संतरे के छिलके लिए थे, उसे मैंने 1-2 दिन ड्राई कर लिया हवा में, और उसके बाद मैंने इसे आप देख सकते हैं मैं एक शीशे के बाउल में रख रही हूँ। मैंने यहाँ 3 नींबू के छिलके लिए हैं, ये मेरा लगभग 2 नींबू का छिलका है, उसे भी मैंने डाल दिया था हवा में और उसे भी ड्राई कर लिया था, तो अब मैंने उसे भी डाल दिया। और अब हम विनेगर डालेंगे। विनेगर फ्रेंड्स हम पूरा ऊपर तक भरेंगे ताकि ये छिलके बहुत आराम से विनेगर में डिप हो जाए, ये छिलका पूरा डिप हो जाए उतना हमें विनेगर इसमें डालना है। तो आप देख सकते हैं विनेगर में हमें छिलके को पूरी तरीके से डुबा देना है, और अब हम इसे 2 सप्ताह के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं या फिर आप इसे छांव में भी रखेंगे तो ये क्लीनर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड 2 सप्ताह हो चुका है, अब मैंने वेनेगर को पूरा ऊपर तक भर दिया था ताकि पूरा छिलका वेनेगर में डूबा रहे, और आप देख सकते हैं मैंने 2 सप्ताह के बाद अब ये क्लीनर हमारा बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, तो अब क्लीनर बन के हमारा तैयार हो गया, ये बहुत इफेक्टिव क्लीनर बन के इससे तैयार होता है। तो फिर चलिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि इसके वेनेगर जो हमने इसमें डाल के रखा है उसे हम किसी ग्लास में स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। हम पहले एक स्ट्रेनर लगा देंगे, उसके बाद हम इसे छानते हुए निकाल लेंगे सारे वेनेगर को। और अब हम क्या करेंगे कि ये नींबू जो हमारा है उसका भी हम थोड़ा रस दबाकर निकाल लेंगे। अब लगभग ये हमारा 1 गिलास जितना हमारा क्लीनर बन के तैयार हुआ है, और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये ऑरेंज कलर में हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कोई स्प्रे बॉटल ले लेंगे, स्प्रे बॉटल में हम ये क्लीनर को ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं और फ्रेंड्स जितना हमारा क्लीनर बनके तैयार हुआ है उतना ही हम सेम क्वांटिटी में हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये लगभग मेरा 1 गिलास जितना बनके तैयार हुआ है, तो मैं इसमें 1 गिलास जितना इसमें पानी भी मिलाने वाली हूँ। तो मैंने सारे क्लीनर को इसमें ट्रांसफर कर दिया है स्प्रे बॉटल में। अब ये ट्रांसफर होने के बाद अब हम उतनी ही क्वांटिटी में अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना था हम उतना ही इसमें पानी भी डाल रहे हैं। अब पानी डालने के बाद हम इसे कर देंगे लॉक, और अब हम इसे थोड़ा हिला करके इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये अब हमारा क्लीनर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे क्लीन करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने फ्रीज क्लीन करके आपको दिखाया है, और हम इसे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। फ्रेंड्स, आपकी फ्रिज की साइन, टीवी की साइन और आपके घर के मिरर की साइन बिल्कुल वैसे ही लौट के आ जाएगी जैसी थी। ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है, और आप इसे एक ही बार में ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें और इसे आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने फ्रिज आपको क्लीन करके दिखा दिया, अब मैं आपको घर के मिरर को क्लीन करके दिखा रही हूँ, और किसी साफ कपड़े से इसे पोंछ लें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी आपके मिरर की शाइन भी वापस आ गया। ये क्लीनर बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे ट्राई करें। अगर ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नई और ईजी टिप्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।